पर्दे लंबे थे काफी, तो उनको कटिंग करने से थोड़ा कपड़ा बच गया था, तो हमने उससे भी यूज में ले लिया है। हो गया था। तो अभी बैठ के नानी साहब के पास चाय पी रहे हैं। कई नानी सा चाय किसी को नहीं। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मांडने, जिसको रास्ते में पगिया भी बोलते हैं। एक बार हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है चैनल राज करके आज के नए व्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? आई होप एंड आई विश आप सब बहुत अच्छे हों। और मेरा जो लास्ट व्लॉग था, मैंने उसमें बताया था कि हम पर्दे, मतलब जो पर्दे लाए थे काफ़ी लंबे आ गए थे दरवाजे और खिड़कियों के, तो उनकी कटिंग करनी पड़ी थी। जो आपको पीछे दिख रहे होंगे शायद, मेरे जो पीछे जो पर्दे दिख रहे हैं, तो आज मतलब इस रूम की सफाई करके पर्दे वगैरह सेट कर दिए। तो जो मतलब पर्दे लंबे थे काफ़ी, तो उनको कटिंग करने से थोड़ा कपड़ा बच गया था, तो हमने उससे भी यूज़ में ले लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जो कपड़ा बच गया था उससे हमने बना लिया है टेबल कवर। और जो कपड़ा बचा, मतलब काफ़ी बच गया था टेबल कवर बनने के बाद में भी, तो हमने उससे फ्रिज कवर बना लिया। तो मतलब जो भी कपड़ा बचा था वो सारा हमने यूज़ में ले लिया। और आज ये भी सफाई, एट लास्ट सारी सफाइयाँ हो गई है दिवाली की। नानी सा इतनी लेट चाय पी रहे हैं, शाम के बज रहे 7:30। कहीं नानी सा चाय किसी को नहीं। एकदम ओके। अब जब घर की पूरी साफ सफाई हो गई है दिवाली की, तब आएंगे जनाब, तो कल आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब काम वाम हो गया, तो अब चलो घर। तो दिवाली की छुट्टी लेके मतलब कल पहुंच जाएंगे। तो अभी तो मैं मेरा रिकॉर्डिंग ही ख़त्म करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गाइस अभी हो चुकी है सुबह, और सुबह उनका थोड़ा जल्दी आना हो गया था, तो अभी बैठ के नानी साहब के पास चाय पी रहे हैं, तो चलते उसी रूम में। तो ट्रे मिल गई थी चाय की जगह। नई चीज घर में सबसे ज्यादा सर्दी मुझे और अक्की को ही लग रही है ना। कि कितनी सर्दी लग रही बेटी को। इन्हें कंपनी से गिफ्ट मिले तो मिला था मिठाई का डब्बा, तो सबसे पहले नानी सा टेस्ट कर रहे हैं। कैसा है नानी सा? बहुत अच्छी है। सगलीन करो, तो सगलीन कर जो, इन भी कर जो और बिन भी कर जो। कौन आ की कौन आएगा आज? और ये तो बात ही कौन कर रहे हो। अक्की के लिए ड्रेसेस ले आए इंदौर से, माईसा ने भेजी उसके लिए ड्रेसेस। दिखाना भाई साहब, सर्दियों की ड्रेसेस। इस तरफ से दिखाना, इस तरफ से। इस तरफ फ्लाइट नहीं आ रहा। हाँ अच्छा, गर्म ड्रेसेस आए। आधार कार्ड दे, थाने की फोटोकॉपी भी डालनी होगी। अरे यान की टोपी, अरे ये टोपी गोल गोल, ये क्या है? ये है दो, ये पेड़ बाकी हम उन्हें सीखे। वाह, इसके भुआसा ने बना के दी अक्की के लिए टोपी। लौकी कब से ला के रखी हुई थी, क्योंकि सब्जी इतनी पसंद नहीं करते, तो रखी हुई थी, तो उसका सोचा क्या यूज में लूं, तो मैं आज सोचू उसकी पकौड़ी बना लूं। लौकी पकौड़ी दो तरीके से बनती है, एक आप कटिंग करके बना सकते हैं और एक है कसके। तो मैं कसके बनाने वाली हूँ, लौकी कसके फिर उसकी पकौड़ी बनाने वाली हूँ। तो अभी लगते हैं पकौड़ी बनाने। लौकी मैंने इसमें कस करके रख दी है, और प्याज और मिर्च चॉप करके रख ली है, और बेसन का घोल करके फिर बनाऊंगी लौकी की पकौड़ी। सोनू बना, किशाक बना पकौड़ा। दिस वाज काचा एंड दिस वाज
अरे चाक कर बताओ कि चाक है। वाह लाजवाब फैंटास्टिक। मतलब दोबारा आज तक नहीं खाया मैंने दोबारा। तो गाइस आज है छोटी दिवाली और मेरा व्लॉग आने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मांडने, जिसको राजस्थानी में पगिया भी बोलते हैं। आजकल तो रंगोली का ट्रेंड ज़्यादा है, कलर्स से बनाई जाने वाली रंगोली, बट मैं अभी मांडने बनाने वाली हूँ। पहले तो क्या होता था कि गेरू से बना लेते थे मांडने पगले जो बोलते हैं उनको, क्योंकि पहले कच्चे आंगन होते थे तो कच्चे आंगन उसको एब्जॉर्ब कर लेते तो काफ़ी दिन तक टिक जाता था, बट अब ऐसा नहीं है, आंगन पक्के हो चुके, टाइल्स वगैरह पे गेरू इतना टिक नहीं सकता। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ पैंट, तो रेड पैंट मैंने मंगवा के रखा है, तो उससे से अभी बनाने वाली हूँ मांडने। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट दिवाली जो मैंने कप यूज़ किया था पैंट के लिए वही मैंने रख रखा था, तो इस दिवाली भी यही यूज़ करने वाली हूँ। इसमें मैंने पैंट डाली है तो इससे बनाऊंगी मैं मांडने। ये कप में गोल रखा है कलर इन्होंने, और ये आज इवनिंग में ये हम बना रहे हैं रंगोली, और अभी क्या है कि दीपावली जो आ गई है इसलिए मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ। अब घर की सफाई हो गई है और अब मेरे न्यू ब्लॉग आए, मेरी हेल्प कराने के लिए सोनू बना आ गए हैं, पेंटर साहब। तू कहीं हेल्प करा सी की? बस देखो सोनू बना आ गया, अब काला बनवा बने रंगोली ने, हल्ले कपड़ों और पहली साफ करे लागो है। अच्छा भाभी से गलती है, देख बना दिया ना डोजी से।